सो हे गाइस, कैसे हो यार आप लोग? आ चुका हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड की गेम प्ले वीडियो साथ गाइस, और आ चुका हूँ पोचन की। सीरियसली यार, भाई साहब, कल की वीडियो में मैंने बोला चैलेंज देने के लिए, और भाई साहब आप लोगों ने लाइन लगा दिया चैलेंज का कि भाई तुम ये चैलेंज को, तुम वो चैलेंज करो। उनमें से सबसे बेस्ट चैलेंज मेरे को लगा एक बंदे का, लिखा था उजी प्लस शॉटगन। वाह भाई, क्या कॉम्बो बताया है। लेकिन यार बोला है तो अब चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन टेंशन मत लो, चल सबका चैलेंज कंप्लीट करेंगे। फिलहाल भाई साहब बात करते हैं आज से गेम प्ले वीडियो के बारे में। तो गाइस, एक बंदा ऑल वे आज चैलेंज किया मुझको कि भाई तुम पोचंकी आकर दिखाओ, क्योंकि पता है यार, अगर एशियन सर्वर में प्लेन में आपका नाम शो कर देता है ना, तो जितने बंदे होते हैं उनमें से कम 20% बंदे तो भाई साहब यही ताक में रहते हैं कि हाईएस्ट आदमी वाले को मारना है। फिलहाल देखो, सामने एक बंदा स्पॉट हुआ है, तो करते हैं इस बंदे को भी खत्म। अब यार ऊपर जो बंदा होता है वो भाई साहब देखना क्या टीपीपी ले जाता है यहाँ पे, बस देखते जाओ यार। यहाँ पे मैं आया, सामने वो बंदा मुझे दिख गया बिना गन के खड़ा है, गन तो थी उसके पास में, लेकिन बिना हाथ में गन नहीं थी उसकी। तो एक पल के यहाँ पे लगा कोई सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन भाई ये कौन सा टीपीपी है यार। इधर कोने में एकदम आके बैठ गए हो भाई साहब, चल जाओ पूरी छत के ऊपर चल जाओ, ये कैसे टीपीपी है भाई। फिलहाल जो बोल लो, इस बंदे को मैंने खत्म कर दिया। सामने से फुटस्टेप आ रही थी, कोई बंदा गंदा फायर कर रहा बैरल से, तो चेक करते हैं जाके यार वहाँ पे। अब यार यहाँ पे इन बंदों के अलावा यहाँ पे कोई बचा नहीं, तो भाई साहब लूटा इसको और यहाँ से गटका जा रहा था, क्योंकि यार वहाँ पे उम्मीद थी बंदे मिलेगा, लेकिन यार यहाँ से फायदा आया तो चेक करना बनता है इन लोगों को भी। फिलहाल देखो यार, सामने जो बंदे होते हैं वो भाई साहब पता नहीं क्यों फायर किए थे, लेकिन अब आ गया है तो भाई साहब एक ना एक किल लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ जाएंगे नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक नेट किया और ऊपर जो बंदे थे उन्होंने यहाँ पे बिना कुक किए एक नेट फेंक दिया सीढ़ी पे कि अगर मैं आऊँ तो भाई साहब चपेटे में आ जाऊँ। फिलहाल देखो, एक बंदा नीचे कूदा है, तो निपटाते इस बंदे को। मुझे नहीं मालूम भाई साहब क्या बन रहे थे, स्मार्ट बन रहा था बंदा, नीचे आकर रश करूंगा और तुम ऊपर से रश करना, ऐसे वाला स्ट्रैटेजी लगा था, लेकिन यार कर देते इस बंदे को भी खत्म। अब देखो, ऊपर जो बंदा होता है वो पूरा डर चुका था यहाँ पे, क्योंकि देखो यार किसी की टीम में अगर आप नॉक कर देते हो ना, तो सामने वाले टीम पे प्रेशर हो जाता है, तो इसको लूटते हैं और भाई साहब जाते सीधा ऊपर वाले बंदे को खत्म करने के लिए। भाई साहब ऐसी टीपीपी कौन लेता है यार, अभी भी ऐसी टीपीपी चलती है। फिलहाल इस बंदे को यहाँ पे खत्म करते हैं और डाई तक फिनिश करके निकलते हैं, और यहाँ से एक बग्गी निकली है तो यार पीछा करना बनता है।
और उस बग्गी का पीछा करते करते मैं आया पहाड़ी पे, और यार यहाँ पे दो तीन चीज की फाइट हो रही थी, तो यार निकालते कुछ किल विल निकल जाए इधर से। अब मैं इस बंदे के ऊपर रश करने के लिए, लेकिन शायद से इसको डासिया ज्यादा प्यारी थी तो डासिया पे ज्यादा ये फायर करने लगा, और जैसे एम स्विच करता भाई सब कर देता इस बंदे को खत्म। अब देखो यार यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ, तो पहले लूट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आगे जाके ये बंदे मिले ना तो भाई साहब बहुत गंदा मारेंगे इसको। फिलहाल इन लोगों के पास मुझे AWM मिल जाती है, और यहाँ से गटका जाने का प्लानिंग था, तो भाई साहब जाए गटका जाते हैं, और लकीली वो जो बंदे यहाँ से निकले थे यहाँ पे मिल जाते तो करते इन लोगों को खत्म। अब इस बंदे को यहाँ पे मैं जैसे नॉक करता हूँ भाई साहब, मैं सीधा रश कर देता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि देखो यार अभी मेरे अलावा 29 बंदे बचे हुए हैं और 9 ही किले मेरे, तो सोच सकते हो भाई साहब बंदे कितना कैंप कर रहे हैं इस लॉबी में। फिलहाल जब मैं जाता हूँ ऊपर वाले बंदे को खत्म करने के लिए, मतलब कि नॉक वाले बंदे को, भाई नीचे से फुटस्टेप आता है तो कर देते इस बंदे को खत्म। अब भाई साहब कह सकते हो इनके अलावा भाई जितने बंदे थे एक तरह से कह सकते हो गायब से हो गए थे, मतलब पूरा मैप छान लिया कहीं नहीं मिले, लास्ट में जाके कहीं से गन फायर आती है तो जाके चेक करना बनता है वहां पे भी यार। अब मुझे लगा था कि इस वाले वेयर हाउस में बंदा है, तो आया मैं यहाँ पे चेक करने के लिए, लेकिन यार बंदा यहाँ पे नहीं होता, सामने वाले स्कॉल्ड हाउस में बंदा होता है, और जैसे उसको मेरी फुटस्टेप आती है वो भाई साहब चल जाता है ऊपर, और शायद से वो बंदा हेल लगा रहा था यहाँ पे, तो निपटाते इस बंदे को। अब देखो यार वो जो बंदा होता है भाई साहब, उसके पास में एक ऐसी गन होती है जिसके नाम से मुझे डर लगता है, और भाई मुझे यहाँ फुटस्टेप आ गई थी कि वो बंदा ऊपर है और भाई सीढ़ियों पे कैंप कर रहा है, किस्मत देखना यहाँ पे क्या हुआ है। हेडशॉट मारा लेकिन बुलेट लगी सीढ़ी पे। अब लेकिन जब उसने काउंटर फायर किया वहां से जब शॉटगन की, तो भाई यहाँ पे मैं पूरा डर गया था, भाई साहब शॉटगन है कोई पंगे वंगे नहीं लेना, सिंपल M4 निकालो खत्म कर दो। लेकिन यार वो बंदा यहाँ पर ढीठ था, फिर भी वहीं जाकर बैठ के कैंप करना स्टार्ट कर दिया, तो कर देते इस बंदे को खत्म। अब सही बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि इस बंदे के यहाँ पे मैं नॉक कर पाऊंगा, लेकिन शायद इस बंदे की हेल्थ कम थी और इस बंदे ने हील नहीं लगाया था, तो कर देते इस बंदे को खत्म। फिलहाल यार यहाँ पे मुझे लग रहा था इसका टीममेट आएगा इसको बचाने के लिए, लेकिन कोई आता नहीं है, तो लूट करते हैं इसको और निकलते फिर बंदों को हंट करने। अब गाइस देखो यहाँ से फ्लेयर चल रही थी, तो यहाँ पे चांस थे कि बंदे मिलेंगे तो निपटाते इन लोग को, लेकिन पीछे से फायर आया तो ट्राई करते कोई बंदा स्पॉट हो तो निपटा दे उसको AWM से। अब वहाँ पे कोई बंदा स्पॉट हुआ नहीं, लेकिन यार सामने बंदे स्पॉट हो गए तो कर देते इन लोगों को भी खत्म। अब यार यहां पे आया उन लोग पे मैं रश करने के लिए, और एक बंदे की फुटस्टेप आती अंदर से, तो पहले इसको निपटाते क्योंकि अगर ये बंदा बच गया ना तो भाई साहब बाद में दिक्कत कर देगा। अब यार यहां पे तो मैं गलती फंसा था, लेकिन यार कर देते इस बंदे को नॉक, और इसका जो टीममेट था भाई साहब बहुत तेज फुटस्टेप आती कि वो बंदा इसको बचाने के लिए आ रहा है, तो कर देते इस बंदे को भी खत्म। अब देखो इस बंदे को यहाँ पे मैंने जैसे खत्म किया भाई साहब, जो टीम की फाइट यहाँ पे हो रही थी उनमें से एक बंदा भाई साहब आया मेरे पे रश करने के लिए, और मुझे उम्मीद थी ये बंदा क्या करेगा, दरवाजा फोड़ेगा, तो भाई साहब हील लगाते हैं उसके बाद फिर चेक करते हैं कहीं से एंगल वेंगल मिल जाए, तो यार कर देते हैं इन लोग को भी खत्म। अब जैसे मेरी हीलिंग्स कंप्लीट होती है मैं निकल जाता हूँ उन बंदों पे कोई एंगल बनाने के लिए, और यहाँ पे मुझे फुटस्टेप आ रही होती है वो बंदा आया मेरे पे रश करने के लिए, लेकिन फिर फुटस्टेप आती है कि वो बंदा जा रहा है पीछे। अब यहाँ पे स्मोक हो चुका था, शायद से वो बंदा जा रहा था अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए, तो बग्गी उठाते हैं और रश करते हैं, लेकिन मेरे पास में AWM है तो बग्गी लेकर रिच के पीछे आते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ से कोई एंगल निकालने का और यहीं से खत्म करते हैं। अब भाई सब यहाँ से मुझे परफेक्ट एंगल मिल जाता है, लेकिन यार ड्रॉप एकदम मुंह के सामने उनको जाकर गिरता है, लेकिन उनमें से एक पहले नॉक को खत्म करते हैं। अब बाकी बच्चा जो रिवाइव कर रहा था तो भाई साहब कर देते हैं उसको भी खत्म, लेकिन यार वो बंदा पीछे जा चुका था, और बंदा जब दिखता है ना भाई साहब देखना क्या खत्म किया हूँ उसको। अब देखो सामने से मुझे वो बंदा भागते हुए आके दिखा, अब मुझे पता था वो बंदा पत्थर के पास जाके ही कवर लेगा, क्योंकि यार वही एक यहाँ पे कवर था, और भाई साहब उस बंदे को यहाँ पे पता था कि मेरे पास में AWM है और उसके पास में भी सेम गन होती है AWM होती है, तो यार यहाँ पे बराबरी का मुकाबला था।
अब गाइस वो बंदा वहां से जैसे झांकता है भाई सब कर देते उसको भी खत्म। फिलहाल इस बंदे को यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे जितनी लूट थी भाई सब अब मेरी हो गई थी, तो तसल्ली से यहाँ पे लूटा और लूट करने के बाद गया मैं आगे। अब यार यहाँ पे मेरा पूरा ध्यान जो सामने यूएस लगी पड़ी थी उसकी हालत बहुत गंभीर थी, तो बस मैं उधर की ओर देख रहा था और पीछे स्मोक हुआ होता है तो इसका मतलब पीछे भी कोई बंदे हैं, तो यार चेक करते हैं उन बंदों को। अब इनमें से एक बंदा यहाँ पे नॉक हुआ होता है और दूसरा बंदा रिवाइव कर रहा होता है, तो पहले दोनों के लेते हैं और भाई साहब यही मौका निकाल के पीछे से एक बंदा बहती गंगा में हाथ धो रहा होता है, तो भाई साहब जल्दी से पहले हील लगाते हैं और जो नॉक वाला बंदा है उसको भी कर देते खत्म। अब मुझे इतना पता था कि जो नॉक वाला बंदा है वो भाई साहब अपने टीममेट को पूरा लोकेशन बता रहा है कि बंदा यहीं पे है, तो पहले लगाते हैं इसको। अब बस भाई थी इनके टीममेट की, तो देखो कैसे निपटाते हैं इनके टीममेट को भी। अब इसका टीममेट मुझे जैसे यहाँ पे दिखा भाई साहब कर देते इसको भी खत्म। फिलहाल देखो यार फिर से वो बंदा यहाँ से झांका है, तो भाई साहब कर देते इसको भी खत्म। तो गाइस वीडियो बस यही था, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू मेरे भाई जाकर सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय। और गाइस आज का लाइक है मैं एक लाइक का, तो होप्स आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।